हाँ तो भैया कैसे हो? अच्छे ही होगे, होना भी चाहिए। तो भैया अभी बात ऐसी है कि कॉलेज हमारे खुल चुके हैं और ये जो एक एक बजे उठने की आदत हमें लग चुकी है दोपहर में, इसे सुधारना पड़ेगा। क्योंकि 10 बजे से क्लासेस हैं, पहले तो फिर भी 11 बजे से थी, लेकिन अब 10 बजे से है। तो अगर 10 बजे हमें कॉलेज पहुँचना है एग्जैक्ट, क्योंकि उसके बाद तो वे आने नहीं दूंगी अंदर, भाई साहब 8 बजे का अलार्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे का अलार्म लगेगा तब जाकर 9 बजे तक खाली। लेकिन खैर, कॉलेज जाने से पहले उसमें कभी टाइम है, आज के कुछ काम है वो निपटाने हैं जो वैसे हमें बहुत पहले ही निपटा देने चाहिए थे, लेकिन आलस। भाई साहब 1 बजे सो के उठेंगे तो कहाँ से निपटेंगे? तो वो काम में से पहला काम और सबसे इम्पोर्टेंट काम वो ये है कि ये बाइक की चेन जो पूरी सूख चुकी है एंड इतनी गंदी हो चुकी है, तो इसे वापस से लुब्रिकेट करना है, इससे पहले पूरा चेन स्पॉकेट ख़राब हो जाए। भाई साहब ये काम निपटा ले पहले। अब चेन लुब्रिकेशन के लिए मैं पहले ही बहुत सी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक वो बकवास था। मैंने सर्विस सेंटर से भी चेन लूब लिया, कुछ 300 रुपये का था वो, और वो एक ही बार में ख़त्म हो गया। अब मुझे क्या है, मुझे हर हफ्ते बाइक की चेन लूब करनी होती है, क्योंकि चलती वो इतना है यू नो कि क्यों चलती है, तो हर हफ्ते 300 रुपये लगाना इज़ नॉट वर्थ इट मेरे लिए। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब पे ऑल्टरनेटिव देखे, एंड अच्छी बात यह है मुझे ऑल्टरनेटिव मिल भी गए और एक काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव मुझे मिला। तो चलते हैं, और अब जब क्योंकि बाहर जाना ही है तो थोड़ा और दूर जाके मैं सर्विस सेंटर पे जाऊंगा और वहां से पहले तो बाइक धुलवाऊंगा क्योंकि गंदी बहुत हो चुकी है और मुझे धोने में, और वहां से धुलवाने का रीज़न ये भी है क्योंकि मेरे पास कार्ड है और इस कार्ड को मैंने आज तक यूज़ किया नहीं है। इस कार्ड की खासियत ये होती है कि इससे जो सर्विस होती है उस पर लेबर चार्ज फ्री हो जाता है, कुछ पार्ट्स अगर मंगवाते हैं तो उस पर डिस्काउंट भी मिल जाता है, एंड 2 फ्री वॉशिंग भी मिलती है। अब जो वॉशिंग है मैंने वो आज तक यूज़ नहीं की, और ये कार्ड क्योंकि केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है, इससे पहले एक्सपायर हो जाए इसे भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन इन सब कामों से पहले मैं पहले तो कुछ खाऊंगा, क्योंकि 2 बज चुके हैं और मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो पहले तो पेट पूजा, उसके बाद काम पूजा। चालीस डिग्री टेम्परेचर हुआ है बाहर, क्या लगा भाई 40 डिग्री टेम्परेचर से मैं डर जाऊंगा? मैं यूपी का लौंडा हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। Thank you.
चौकीदार हूँ, कैसे हो? हेलो भाई, हेलो 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 भाई, भाई गैंग आ गई पूरी भाई भाई देख गए, काट 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 काटो नहीं भाई, इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा हमें। भाई पूरी गैंग है यहाँ तो, काट का काट खा एक दूसरे को, बिल्कुल काट खा सालो। अच्छे डॉगी, अच्छे डॉगी।